going to see a fill in the blanks of tens and ones. You already learned in first standard tens and ones. First standard में हम कर चुके हैं 50, जैसे कि 56 है तो 5 tens and 6 ones, right? पर यहाँ पे जो है वो आपको place value, ये भी टेबल भी आप सीख चुके हो ones and tens के, but यहाँ पे थोड़ी fill in the blanks से वो different है, right? तो वो देखेंगे. तो first of all 56 पहले हम revise करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये 56 है तो जो last number है वो कौन सी प्लेस पे है? वंस की प्लेस पे है. एंड 5 जो है वो किसकी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे है, राइट? अब टेंस की प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे 56 है, 56 मीन्स ये भी टेबल हम कर चुके हैं, 50 + 6 = 56 मीन्स जो टेंस की प्लेस पे है 5 उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा? 5 टेंस, टेंस मीन्स 10, तो 5 टाइम 10 मीन्स 50. सो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या आएगी? 50. और वंस की प्लेस पे है वो 1, 6 टाइम 1 मीन्स 6, 56. तो इस तरह से टेंस की प्लेस पे जो भी नंबर हो उसकी वैल्यू कितनी होगी? सो वो टेंस की होगी. जैसे कि अगर 98 है तो 9 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? तो कि 90 हुई. और 8 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 8 हुई, राइट? तो इस बेस के ऊपर आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स है. नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स. 56 इज इक्वल टू ब्लैंक टेंस एंड ब्लैंक वंस. तो यहाँ पे क्या है? 5 टेंस एंड 6 वंस, राइट? हियर 3 टेंस एंड 4 वंस. तो यहाँ पे क्या करना है? नंबर 3, 4, नंबर क्या आएगा? 34. अब यूनिट सॉरी टेंस एंड वंस की फिलिंग कंवेंशन पर सब डिफरेंट बेस है. बेस आपको पता है कि क्या है, टेंस और वंस क्या है, पर उसके बेस के ऊपर सब डिफरेंट डिफरेंट है. अब यहाँ पे 30 + 5 क्या होगा? 35. 18 + 9 यू ऑलरेडी डन इन फर्स्ट टाइम, है ना? सब टेबल्स लिख चुके हो ना. 80 + 9 = 89. नाउ 40 + 10. 40 के अंदर 10 ऐड करो, एडिशन के हिसाब से करो तो भी होगा. वंस एंड टेंस के हिसाब से करोगे तो भी होगा. 4 टेंस है और उसमें 1 टेंस ऐड होगा तो क्या होगा? 55 टेंस मीन्स 50. 67. अब यहाँ पे ब्लैंक है प्लस 7. सो यहाँ पे 67 है तो 60 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 60. 60 + 7 इज इक्वल टू 67. सो हियर आंसर इज अ 60 + 7. नाउ इन 72 द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज. नाउ सी 7 इज ऑन अ टेंस प्लेस, है ना? टेंस की प्लेस पे है 7, सो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 72. 7 टेंस मीन्स उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70. सो हियर आंसर इज अ 7 इज 70, राइट? नाउ 8 नंबर. इन 98 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज. अब 8 की प्लेस वैल्यू, 8 कौन सी प्लेस पे है? ऑन वंस प्लेस, राइट? तो हियर आंसर इज ओनली 8. 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 80 आएगी. इफ द, अब उल्टा है, इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 50. एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 मीन्स 3 की प्लेस वैल्यू 3 है तो वो कौन सी प्लेस पे आएगा? वंस की प्लेस पे. और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 50 है. सो वो कौन सी प्लेस पे आएगा? नंबर 10 की प्लेस पे. सो विच नंबर? द नंबर इज 53. अगर उल्टा हो, अगर द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 हो और 3 की प्लेस वैल्यू अगर 30 हो तो विच नंबर मेक? 5 की प्लेस वैल्यू 5, सो 5
एंड 3 इज 30, सो 3 कौन सी प्लेस पे आएगा, 10th की प्लेस पे, तो नंबर क्या बनेगा 35, राइट। तो इस तरह से कोई भी नंबर आपको आ सकता है। इन 93 द डिजिट एट वंस प्लेस इज, 93 में वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3, सो आंसर इज अ 3, राइट। सी 70 मींस 7 tens प्लस इज इक्वल टू 60 प्लस क्या आएगा, 60 में कितने ऐड करेंगे तो 70 आएगा, बोलो 10, राइट। 6 tens है और 60 प्लस 10 करोगे तो क्या मिलेगा, 70। नाउ सी 99 इज इक्वल टू 90 प्लस, अब 99 मींस क्या होगा, 90 और उसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 9, सो योर आंसर इज अ 99 इज इक्वल टू 90 प्लस 9, राइट चिल्ड्रन। तो इस तरह से एग्जाम में भी आपको टेंस और वंस की फिलिंग द ब्लैंक्स डिफरेंट वे से आ सकती है, राइट। बाय बाय।